फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम बात करने वाले जीडीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की टू डे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो लगातार 10 अपर सर्किट लगे 1.55 रुपए तक अभी जाते हुए यहां पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट यदि हम आज के दिन की यदि बात करें तो वीएससी के काउंटर पे 1.55 रुपए पे लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे बंद होने को दिखा है। 4.73% की बढ़त के साथ 7 पैसे बढ़ के 1.55 रुपए पे बंद होने को दिखा है। वहीं यदि एनएससी की बात करें तो एनएससी पे 1.45 रुपए पे आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे बंद होने को दिखा है। फर्स्ट यदि हम बात करें एनएससी की तो 1.45 रुपए पे, जबकि यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट की बात करें तो लगभग यहाँ पे 10 पैसे का एनएससी एंड वीएससी के प्राइस पे यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इतने छोटे प्राइस पे यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जबकि यहाँ पे शेयर का प्राइस 1.45 रुपए एंड जो डिफरेंस यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10 पैसे का डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस इतने छोटे प्राइस पे यहाँ पे रहने वाला है। एंड यदि रिटर्न्स की बात करें तो आपको 1 वीक में ही जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 20% से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पे बना के दे चुका है। 1 मंथ की बात करें तो 16% से ऊपर के रिटर्न आपको यहां पे मिल चुके हैं। 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर में थोड़ी से नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो जरूर यहाँ पर बहुत बड़े पॉजिटिव रिटर्न सामने निकल के आते हैं। डिलीवरी पोजीशन के यदि इस समय जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो जो 10 करोड़ की डिलीवरी यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस आज के दिन 10 करोड़ शेयरों का आया है। लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर भी 10 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम था। यदि आप उसके पहले की बात करें तो 1 वीक में 8 करोड़ शेयरों का एंड 1 मंथ में 7 करोड़ शेयरों का लगातार यहाँ पर क्वांटिटी वाइज यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड अपर सर्किट के साथ एक अपर सर्किट एंड 10 लगातार अपर सर्किट के बाद यदि आप इस समय इसमें वॉल्यूम चेक करें तो 10 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले। एंड वही यदि हम डिलीवरी बेसिस पर बात करें तो एनएससी के काउंटर पे तो फुल डिलीवरी 100% की डिलीवरी इस शेयर में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी बना के देती है। यदि आप लोग इस शेयर को यहाँ पर वाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे अब हमारे द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन अभी बाई की नहीं दी जा सकती, जबकि हम यहाँ पर 1.10 रुपए से लगातार इसको बाई की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। जबकि अब इस समय 1.55 रुपए पर आ चुका है। जो लोग यहाँ पर 1.10 रुपए पर बाई कर चुके हैं उनको अभी इस चैनल के द्वारा थोड़ी सेलिंग की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि अभी कभी भी ये शेयर यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपर सर्किट लगते ही जाएंगे। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि 26 जुलाई तक यहाँ पे कुछ अच्छी पॉजिटिविटी रहे, क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रम डील हो जानी है एंड देन यहाँ पर जो भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर रहने वाला है, क्या इसे अडानी एक्वायर करेंगे या फिर इसे रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे एक्वायर करने वाली है, ऐसी कुछ यहाँ पे न्यूज़ चल रही है वो यहाँ पे आपको 26 जुलाई को एंड होते हुए दिखेगी। साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर दें। उसी के साथ यदि आप यहाँ पर वीएससी के काउंटर पर आज की डिलीवरी परसेंटेज चेक करें तो वीएससी के काउंटर पर ओनली यहाँ पे 38% की डिलीवरी रही है, जबकि यदि बीएससी के काउंटर पे आप यहाँ पे चेक करें तो 9.33 करोड़ से ज़्यादा के शेयरों की क्वांटिटी ट्रेडिंग होने को दिखी एंड यहाँ पे 3.55 करोड़ से ज़्यादा के शेयरों की डिलीवरी बीएससी के पोर्टल पे देखने को मिली। डिलीवरी परसेंटेज एक छोटा सा होने के कारण यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है बीएससी पे। लगभग यहाँ पे जो रेट पहुँच चुका है 1.55 रुपए के साथ शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1.55 रुपए 1.60 रुपए कभी भी ये शेयर अभी नीचे की ओर आ सकता है। जिन लोगों ने 1.10 रुपए 1.20 रुपए पे खरीदा है वो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इस चैनल के द्वारा रिकमेंडेड की जाती है कि आप यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे लोअर सर्किट देखने स्टार्ट हो जाएं, देन फिर आप यहाँ पे क्लेम करें कि सर आपने नहीं बताया कि आप कब सेल करें, क्योंकि हमारी चैनल के द्वारा आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन तो दी ही जाती है, बस वो आपको नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से दी जाती है। लेकिन आप इसमें बाय करने की बिल्कुल मत सोचें। जो बाइंग करने का टाइम था वो 1.10 रुपए से 1.25 रुपए के बीच का था। अभी इसमें बाय करने की बिल्कुल ना सोचें। हाँ, यदि आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड करें, या जो लोग सेल करना चाहते हैं, जिन लोगों ने बहुत ही कम पे ये माल खरीदा 1.10 रुपए पे, वो जरूर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। साथ साथ यदि आप आज की डेट में देखें तो जो 50 डेज एंड 200 डेज डीएमए चल रहा है दोनों के लगभग करीब पहुंच चुका है। वैसे तो आप यहाँ पे बोलें तो दोनों डीएमए को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, लेकिन यदि आप कहीं ना कहीं एनएससी के काउंटर की बात करें तो एनएससी के काउंटर में 50 डेज डीएमए को यहाँ पे प्राइस क्रॉस कर चुका है। वही यदि 200 डेज डीएमए की बात करें तो उससे अभी थोड़ी सा यहाँ पे नीचे चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक अपर सर्किट और देखने को मिलता है वैसे ही यहाँ पे 200 डेज एंड 50 डेज डीएमए दोनों को क्रॉस कर जाएगा। देन फिर ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों टर्म में बुलिश मोड में पहुँचते हुए देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी इस पूरे सेक्टर के साथ साथ इस शेयर में भी बन के आती है। लेकिन मुझे अभी इस समय मैं आपको अपनी बता दे रहा हूँ, मुझे लगातार यहाँ पर अभी
संदेश आया कि ये शेयर यहाँ से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आपके आज का यदि आप एनालिसिस यहाँ पे देखें तो VSE के काउंटर पर जिसपे 1.55 रुपये का प्राइस चल रहा है वहाँ पे एक बहुत छोटी सी डिलीवरी उठते हुए देखने को मिली। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर आज के दिन देखने को मिला, 1.55 रुपये पे काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पर बोलूँगा कि जो लोग यहाँ पे 1.10 रुपये 1.15 रुपये पे वाय करके रखे हुए हैं वो अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी सी यहाँ पर रिकमेंडेशन की जाती है। बकाया ये वीडियो आपके लिए नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से, आप यदि इसमें बाय करें सेल करें जो भी करें आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें। फर्स्ट यदि Q4 के रिजल्ट्स देखें, Q3 की कंपैरिजन में ठीक ठाक ही रहे, जो सेल्स इसमें देखने को मिली 366 करोड़ की सेल्स अभी Q4 के रिजल्ट्स में देखने को मिली। Q1 के रिजल्ट्स इस मंथ के एंड तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि इस मंथ के एंड तक नहीं भी मिले तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसके Q1 के रिजल्ट्स भी देखने को ईजिली मिल जाएंगे। यदि इस तरह की सेल्स आती है तो कोई भी अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से यदि आप सेल्स की बात करें तो Q2 के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर जरूर एक अच्छी सेल्स यहाँ पर निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पर यदि मिनिमम यदि आप होल्ड करते हैं तो लगभग आपको 5 से 6 महीने अभी होल्ड करके रखना पड़ सकता है इस शेयर को, वहाँ से फिर आप एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। मतलब आप यदि 2022 के लास्ट तक भी यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं तो जरूर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। साथ साथ यदि आप इसमें Q4 के रिजल्ट्स के बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पर चेक करें तो 853 करोड़ के कंपनी ने लॉसेस किए, उसके पहले कंपनी को 197 करोड़ के लॉसेस हुए थे। तो कंपनी लगातार लॉसेस में, इस समय भी कंपनी लॉसेस बना के चल रही है। Q1 के रिजल्ट्स के बाद हमें देखना होगा कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में किस तरह से वॉक कर रही है। यदि प्रॉफिट में वहाँ से रहने को दिखती है तो देन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ से तो निकल के आती है। यदि कंपनी को इससे भी ज़्यादा लॉसेस लगे तो ज़रूर इस शेयर में बहुत बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर रहने वाली है। यार इसके लॉस यदि 200 करोड़ से भी ऊपर के देखने को यदि आपको Q1 के रिजल्ट्स में मिले तो मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, बाय करने की यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। साथ साथ यदि आप इस चैनल के साथ नए हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ यदि आप इस समय EPS चेक करें तो 0.68 पैसे नेगेटिव पर शेयर चल रहा है, मतलब यहाँ पर लॉस चल रहा है पर शेयर पे 68 पैसे का कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो TTM के बेसिस पे ओनली 4% की यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पड़ रही है, 4% के साथ लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ में ये चल रहा है। साथ साथ TTM पे यदि देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 9% के नेगेटिविटी में यहाँ पे चल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 54% के नेगेटिविटी में ये चल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो कोई भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। साथ साथ यदि हम AMO सेक्शन की बात करें जिसको हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर में जो यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी वो काफी अनएक्सपेक्टेड है। 1.59 करोड़ से ज्यादा के शेयर यहाँ पे 1.45 रुपये पर बाइंग के लिए लगे हुए, तो 1.45 रुपये एक बाइंग का लेवल यहाँ पे अच्छा है। वही यदि सेलिंग की बात करें तो 1.55 रुपये पर काफी बड़ी सेलिंग आज के दिन निकल के आई। तो यहाँ इस लेवल पे आप जरूर यदि आप प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचें तो 1.55 रुपये पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वाई की यदि बात करें तो 1.40 रुपये 1.45 रुपये पर आप इसे बाय करके एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। साथ साथ आपका जो भी इसमें रुझान हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।